तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं माय मैकेनिकल सपोर्ट। हमारे पास एक एक्टिवा स्कूटी है। आज मैं आपको इसे प्रॉपर स्टार्ट करने का जो है वो तरीका बताने वाला हूं, क्योंकि बाइक को स्टार्ट करने का तरीका और स्कूटी को स्टार्ट करने का तरीका में काफ़ी फ़र्क होता है। जो लोग बाइक राइडिंग करते आए हैं उनको जो है वो स्कूटी स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा की रहा और यहाँ की सॉकेट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पुश लॉक था तो उसे लॉक खोलते हैं, अब ऑन मोड में कर लेते हैं और आप जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ को दबाएंगे। मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट जो है वो सेल्फ को अगर आप प्रेस करते हैं तो बाइक में होता है कि स्टार्ट हो जाता है अगर गाड़ी न्यूट्रल में रहती है, लेकिन स्कूटी में तो कोई गियर होता ही नहीं है, तो इसे जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर दिया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो क्लच है, रियर ब्रेक भी बोल सकते हैं, ये कॉम्बी ब्रेक है, इसको जो है वो प्रेस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लच लीवर रहता है उसको जो है वो प्रेस करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो है वो सिंगल अटेम्प्ट में ही हमारा स्कूटी जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक लेफ़्ट वाले ये लीवर को नहीं प्रेस करेंगे, स्कूटी आपकी स्टार्ट जो है वो नहीं होगी। और ध्यान रहे, स्कूटी में जो है वो कोई भी गियर नहीं होता है, ये डायरेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक गियर से चलता है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टार्ट करने के तुरंत बाद जो है वो ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं लेना है, वरना जो है वो इसका जो, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो व्हील रहता है वो हमेशा घूमते रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर एक्सीलेटर लेते हैं तो जैसे ही जो है वो नीचे टच करती है, स्कूटी हमारा जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो इससे जो है वो दिक्कत आ सकती है, हमारा स्कूटी गिर भी सकता है अगर उसे कोई संभाल ना सके। तो फिर मिलते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मैकेनिकल। धन्यवाद दोस्तों।